मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू रिफंड फीस फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूशन। इसमें बहुत सारे व्यूअर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए कि सर कैसे हम किसी भी इंस्टीट्यूशन से जिन भी जिससे भी उनको रिफंड करना था उस हम कैसे करें। उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की इशू आए, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के इशू आए और उनको बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। तो इसलिए मैंने सेकेंड वीडियो बनाया फीस रिफंड के लिए, ताकि आपको जो भी डाउट है आपको क्लियर हो जाए। तो इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके सब पूरे इशू आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई चीज़ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या है कि आप पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कभी भी किसी भी कोचिंग में, जैसे IIT के लिए या फिर नीट के लिए, जिसके लिए भी आप कोचिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या चीज़ें करें कि जिससे आपको कोई रिफंड का इशू ही ना। पहले क्या है कि आप अगर कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप उससे कोचिंग वालों से बोलेंगे कि सर हमें डेमो चाहिए, या फिर उनसे ये बोलेंगे कि जो वो टीचर की फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल कराएंगे या फिर जो फैसिलिटीज़ आपको देंगे उस सबको, वो जो आपका एडमिशन फॉर्म होता है जिसमें आपसे वो सिग्नेचर कराते हैं उसमें वो सबको मेंशन करें, या वो आपको अलग से लिख कर दें कि भैया हम आपको ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे और ये चीज़ें आपको नहीं कराएंगे। क्योंकि मोस्टली कोचिंगों में 2 साल या 1 साल की पूरी फ़ीस ले ली जाती है आपसे, और आप सबसे पहले ध्यान ये दें कि आप पूरी फ़ीस जमा ना करें। पहले आप 2 से 3 या 4 या 5 दिन या 1 हफ्ते तक आप कोचिंग ऐसे ही जाकर देखें कि आपको कोचिंग सही लग रही है या कि नहीं लग रही है, आपको पढ़ाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप इससे जो कहा गया है वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो इससे आपको कम से कम ये हो जाएगा कि आपको रिफ़ंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सही कोचिंग का एक चुनाव कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं बेसिक हमारे जो मेन चीज़ पर, वो है आपका कैसे अगर आप फंस जाते हैं और आपके साथ प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे रिफ़ंड लें कोचिंग से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले जितने भी हैं सब आपसे सिग्नेचर करा लेते हैं कि कोई भी फ़ीस आपकी रिफंडेबल नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कोचिंग वाले अपना खुद का लोन ही बना सकते हैं। तो एक्चुअल में जो कोर्ट है उसका मानना भी यही है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो आपके कस्टमर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप जो पूरी फ़ीस ले लेते हैं तो आप ज़रूरी नहीं आप पूरी फ़ीस आप पहले एडवांस में ले रहे हैं लेकिन आप वो फैसिलिटीज़ उनको नहीं दे रहे हैं ना, तो इसलिए आपके कहीं ना कहीं आपके फेवर में होता है। अब जैसे आपने फ़ीस पे कर दी है और आपको कोचिंग में कोई इशू हो गया, जैसे सपोज़ कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से आप कोचिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि आप कोचिंग क्यों नहीं करना चाहते। जब आप कोचिंग नहीं करना चाहते उसका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ज़रूर होता है जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही आपको कोचिंग छोड़ना हो, एस्केप करना हो, तो आप सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके आप बोलेंगे कि सर हम कोचिंग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और आप वहाँ पे एप्लीकेशन लिख कर देंगे कि आप क्यों कोचिंग नहीं कर पाएंगे कंटिन्यू, उसका रीज़न लिखेंगे और आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करेंगे। रिफ़ंड आपको किस तरीके से मिलेगा, रिफ़ंड ऐसे मिलेगा जैसे कि आपने 1 या 2 मंथ स्टडी कर ली है तो आपको वो 2 मंथ की फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, और साथ में आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो आपका कट कर लिया जाएगा, या फिर उन्हें कोई जो डॉक जैसे कुछ आपको जैसे कुछ सिलेबस दिया होगा या फिर कुछ बुक्स प्रोवाइड कराई होंगी तो उनका पैसा भी वो वहाँ से कट कर लेंगे, और जितना भी पैसा आपका बचता है वो आपको वापस करना रहेगा। लेकिन क्या होता है कि मोस्टली कोचिंग 90% केसेस में कोचिंग वाले डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हम रिफ़ंड नहीं करेंगे। तो फिर आपको क्या करना है, फिर इसको बाद आपको जाना है कंज्यूमर फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो आप कहते हैं सर हम कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम क्या करें, कहाँ कैसे करें, तो आपको मैं बता देता हूँ, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं या कोचिंग जिस डिस्ट्रिक्ट में, आप वहाँ से आप इसको एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। या आप अब आप कहेंगे कि सर हम फाइल कैसे करें, देखो इसके दोनों ही तरीके हैं, या तो आप सीधा जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएँ, वहाँ पर आप एप्लीकेशन दें, 100 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, और वहाँ पर आप फॉर्म, आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एडवोकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडवोकेट की ज़रूरत अभी नहीं पड़ती है आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तब, सिर्फ यहाँ पर एक एप्लीकेशन देनी है और 100 रुपीज़ आपका चार्ज लगेगा। उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्यों कोचिंग छोड़ना चाहिए या आप क्यों कोचिंग छोड़ना चाहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न आपको देना पड़ेगा, एक जो जनरल रीज़न जो होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका मन नहीं किया या आपको अब ऐसा लग रहा है कि हमें कोचिंग नहीं करना चाहिए, आप अपने मन से कोचिंग छोड़ रहे थे, यहाँ ये कोई रीज़न नहीं बनता। रीज़न एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि आप एक्चुअल में कोचिंग क्यों नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद आपको, आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं कंज्यूमर फोरम हेल्पलाइन पर, और वहाँ पर आप जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। अब होता है क्या, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं या फिर जब आप या इसका जो शिकायत है वो आप करा देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो फिर आपको यहाँ पे कोर्ट एक डेट देगा जिसमें आपको पेशी रहेगी,
जिसमें वो क्या करेंगे, जो जो भी कोचिंग है या कॉलेज है या स्कूल है उसके पास वो नोटिस भेजेंगे कि आपके खिलाफ इस बच्चे ने ये बोला है और आप इसके लिए अपना अपना पक्ष रखिए, तो वो वहाँ से कुछ नोटिस वगैरह बना के तैयार करके भेजेंगे। और अगर वो वहाँ से केस के लिए भेजते हैं, या तो आप कोचिंग वाले इसमें आपको संपर्क कर लेंगे कि भाई आपने केस करा है, हम आपसे एग्री वो राजीनामा करना चाहते हैं, हम आपकी फ़ीस रिफंड कर देंगे। और अगर वो नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे ऐसा, तो फिर आपको करना पड़ेगा, फिर आपको केस लड़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपकी प्रोसेस आती है, आपको एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, जी आपको एडवोकेट से बात करके आपको फिर केस लड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर एडवोकेट लेंगे पता नहीं क्या होगा, कितने साल लगेंगे, क्या होगा। देखिए, अगर आपको आपका पैसा चाहिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर वो एक अलग बात है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपका पैसा आपका रिफ़ंड होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है। तो अगर आप सही में ही आपका रिफ़ंड चाहते हैं तो आप केस करेंगे और फिर आप एडवोकेट हायर करेंगे। एडवोकेट भी ज़्यादा पैसा नहीं लेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि जनरली इसमें फीस ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 लाख रुपये तकरीबन या 3 लाख रुपये के तकरीबन होती है। तो इस केसेस में एडवोकेट भी ज़्यादा पैसा नहीं लेगा, 4-5 हज़ार, 6 हज़ार रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं लेगा। बस इसी के साथ आपका केस चलेगा, और इस केस जब चलेगा तो इसमें आपको सिंपल सी बात यह है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी सब चीज़ें आपको अपने साथ रखनी, स्लिप से लेके हर चीज़ को। और इसमें क्या होगा, कोचिंग वाले पास एक ही चीज़ रहेगी कि हमने पहले ही फॉर्म में साइन करा लिया था कि भाई फीस रिफंड हम नहीं करेंगे, लेकिन वो यहाँ पे कोई दलील नहीं मानी जाएगी। क्योंकि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया कि कैसे कैसे कौन कौन सी लॉ फर्म ने ऐसा किया और क्या केस हुआ, तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने आपको एग्जांपल ही बताए थे कौन कौन सी केस हुए थे जिसमें आप, और आप खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे कोचिंग, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन वर्सेस स्टूडेंट एनी लॉ, तो आपको आ जाएंगे। उसमें फीस रिफंड के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हुए हैं। और अभी भी मैं सबसे ज़्यादा बात तो जब होती है, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर हमारी फ़ीस नहीं मिल रही, हमें रिफ़ंड, कोचिंग वाले ये बोल रहे हैं, कोचिंग वाले वो बोल रहे हैं, तो आपको उसके लिए आप केस करेंगे तो आपको ज़रूर पैसा मिलेगा, और आप नहीं करेंगे तो जैसे आपको नहीं मिलता तो वैसे नहीं मिलेगा। इसमें कोचिंग वाले अपना फ़ायदा ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से, तो कोचिंग वाले तो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, जो भी करें, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर सही हैं तो आपको पैसा मिलेगा, और आप जेन्युइन आपका रीज़न जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो आप बिल्कुल आपको पैसा मिलेगा। तो अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।